क्या नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति से विदाई होने वाली है? क्या राज्य की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं और मुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी का कोई चेहरा होगा। बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा उनके केंद्र में जाने को लेकर हो रही। नीतीश कुमार तो इस चर्चा को सिरे से खारिज कर रहे हैं। बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार का सीएम बने रहे, और इन सब के बीच आरजेडी के नेता चुटकी ले रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अविलंब नीतीश कुमार से छुटकारा मिले, और नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हम कुर्सी पर बने रहें, तो उसकी लड़ाई में पूरा बिहार बर्बाद हो रहा है। एक तरफ कुर्सी बचाने के अभियान में एक आदमी लगे हुए हैं, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कुर्सी ग्रैब करने में लगी हुई है। इन दोनों की लड़ाई में जूते में पैजार की स्थिति में बिहार में विकास अवरुद्ध हो चुका है। बिहार में जनता के हितों का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर ना तो कोई कार्रवाई हो रही है, ना कोई सुनवाई हो रही है। कंफ्यूजन है, ही कुछ भी छपते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, यहीं रह के बिहार की सेवा करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी बिहार में मुख्यमंत्री बने रहें, बिहार का विकास करते रहें, और पूरे ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, हमारा नेतृत्व खड़ा है, इसलिए वो पूरी तरह से यही काम करना चाहेंगे जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है। सियासत के कई जानकारों का कहना है कि अपने गृह जिले नालंदा में नीतीश जिस तरह से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उससे भी उनके दिल्ली जाने की चर्चाओं को बल मिल रहा है। वैसे जानकारों का कहना है कि वो राजनीति के मंझे खिलाड़ी हैं और उन्हें अच्छी तरह पता है कि कब कौन सी चाल चलनी है। देखिए, नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करने में जाएंगे या राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपयोगिता होगी, यह तो एनडीए में वो हैं और एनडीए का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और नीतीश कुमार खुद स्वयं अगर यदि उनकी इच्छा शक्ति होगी जाना चाहेंगे तभी वो जाएंगे, अदरवाइज ऐसे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। ये ठीक है, कयास लगाए जाते हैं राजनीति में, तो कयास चलता रहता है कि ये कुछ ऐसा होगा, और नीतीश कुमार ऐसे बड़े कद के नेता जो कि जनता दल यूनाइटेड में, नीतीश कुमार के बगैर जनता दल यूनाइटेड नहीं और जनता दल यूनाइटेड के बगैर नीतीश कुमार नहीं, तो ये ऐसी परिस्थिति में इतने बड़े नेता को हमको नहीं लग, हमारे जहन में यह बात नहीं आ रही है कि वह कहीं वो छोड़ करके जाएंगे और जाने वाले हैं। बिहार के सियासी गलियारों में नीतीश कुमार को लेकर चर्चा तो बहुत है। कोई नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनवा रहा है तो कोई उपराष्ट्रपति, सभी के पास अपने अपने समीकरण हैं। बहरहाल इसके लिए जुलाई और अगस्त तक इंतजार करना होगा, क्योंकि जुलाई में राष्ट्रपति और अगस्त में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। पटना से न्यूज बायोस्कोप के लिए कैमरामैन राजेश के साथ शक्ति की रिपोर्ट। सहयोगी शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त अपडेट के साथ। शक्ति, जो बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा इन दिनों हो रही है और काफी जोर शोर से हो रही है, अब यह सवाल उठने लगा कि क्या बिहार से नीतीश की विदाई होगी? क्या सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश और केंद्र की राजनीति करेंगे? क्या कुछ फिलहाल चल रहा है वहां? जी, आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों से लगातार बिहार के जो सियासी गलियारे हैं उसमें चर्चा है कि नीतीश कुमार जो है अब बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ के केंद्र की राजनीति में जाएंगे। इसको लेकर कई जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो राष्ट्रपति का या फिर उपराष्ट्रपति का जो है वो पद जो है वो केंद्र में जा सकते हैं, लेकिन इस सब मामलों में जो है एक ये इस तरह का है कि बीजेपी जो है कभी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो है वो अपने ही लोगों को बनाएगी, क्योंकि उस जो भी राष्ट्रपति का पद अगर नीतीश कुमार जैसे नेताओं को अगर बीजेपी बना देती है तो नीतीश कुमार की छवि उस तरह की है कि वो डमी के रूप में नहीं आ सकते, वो जो है अपने निर्णय खुद लेते हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो कभी नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद दे दिया जाए। तो निश्चित रूप से इस तरह के पद नहीं मिले तो नीतीश कुमार जो है केंद्र में अगर फिर जाते हैं तो फिर उन्हें केंद्रीय मंत्री का ही पद जो है वो राज्यसभा के द्वारा मिल सकता है। तो नीतीश कुमार ऐसे में कभी भी जो है वो मुख्यमंत्री का, बिहार के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ के वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे, और इसको लेकर उन्होंने कई बार साफ भी कर दिया है। लेकिन चर्चाएं जो है वो काफी गर्म है। अभी जो लगातार नीतीश कुमार जो है अपने गृह जिला का दौरा कर रहे हैं और आम लोगों से मिल रहे हैं, और
ये जो है ये जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं उसे एक चर्चा ये भी है बाजार कि वो जो है वो अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। हालांकि इसके लिए जो है अब हम लोग देखने वाली बात ये होगी कि जुलाई और अगस्त तक जो है हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई में जो है राष्ट्रपति के पद के चुनाव है और अगस्त में जो है उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव होना है, उसके बाद शक्ति हो पाएगा। शक्ति कहा जाता है कि बिना चिंगारी के धुआं नहीं उड़ता, आग नहीं लगती। अगर ये चर्चा है बाजार में तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू में अंदर खाने कुछ चल रहा है, या तो खींचतान चल रही है। अब जैसे वीआईपी को तोड़ के बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है बिहार में, क्या दबाव भी है जेडीयू पर कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए, इसलिए उन्हें संतुष्ट करने के लिए केंद्र की राजनीति में या केंद्र में मंत्री पद देकर संतुष्ट किया जाए? जी निश्चित रूप से जिस तरह से चर्चाएं चल रही है जो है उसमें निश्चित रूप से कहा जाता है कि बीजेपी और जेडीयू के अंदर जो खाने जो है कुछ न कुछ जो है खिचड़ी जरूर पक रही है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगा अपने लोगों से मिल रहे हैं और उनको धन्यवाद दे रहे हैं, तो इसमें कहीं ये जो प्रयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है अब जो है केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं। और आप कहें कि बीजेपी के अंदर से जो है एक दबेजुबान आवाज भी उठ रही है, हालांकि बीजेपी के विधायक कह भी चुके हैं कि बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टी है, तो अब जो है मुख्यमंत्री का जो चेहरा हो वो बीजेपी की तरफ से हो, और नीतीश कुमार की उम्र भी हो गई है तो अब जो है उन्हें केंद्र की राजनीति में जाना चाहिए। लगातार विपक्ष भी जो है वो सवाल उठा रहा है कि इतने सालों से मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री है, तो अब उनका जो भी विजन था, जो भी उनकी सोच थी बिहार के विकास के लिए, वो जो है थम सा गया और वो अब नया कुछ सोच नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष और बीजेपी के अंदर भी जो है वो दबाव जो है अब नीतीश कुमार पर तो निश्चित है कि वो अब मुख्यमंत्री का पद छोड़े और बीजेपी का चेहरा के लिए जो है मुख्यमंत्री का जो है पद जो है बीजेपी का कोई विधायक कोई नेता बने, तो निश्चित रूप से ये दबाव है ही कि राजनीति में जो है इस बात की चर्चा भी जोरों पर है। हालांकि नीतीश कुमार जो है वो एक मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के, और वो जो भी निर्णय लेंगे कहा जाता है कि वो खुद से ही लेंगे, और इसके लिए हम जो है इंतजार करना पड़ेगा जुलाई और अगस्त तक के लिए। जी आसिया चलिए नजर बनाए रखिए शक्ति, फिलहाल शुक्रिया आप तमाम जानकारी के लिए। तो कई सारे सवाल इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में तैर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी को छोड़ेंगे, उससे विदा लेंगे, क्या केंद्र की राजनीति करेंगे, क्या उन्हें राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ऐसी कई चर्चा फिलहाल गलियारों में है, सियासी गलियारों में है। देखना है आने वाले वक्त में एक दो महीने में तस्वीर साफ हो जाएगी कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा।